हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली पर नगर निगम सीमा में फटाके के विक्रय पर पाबंदी के आदेश के विरोध में शिवसेना ने प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। साथ ही शाम तक यह आदेश वापस लेने की मांग की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो कल शिवसेना और फटाका व्यापारी संघ के द्वारा मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार एवं कलेक्टर महोदय के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जो भाजपा की सरकार है प्रदेश की, उसके द्वारा जो पटाखों पर पाबंदी लगाई गई है उसके विरोध में यह ज्ञापन हम लोग के द्वारा दिया जा रहा है। और यह तानाशाही पूर्ण रवैया है कि दीपावली परसों है और आज आदेश हम लोगों को मिल रहा है। बेचारे पटाखा व्यापारियों ने अपने पटाखे लाखों करोड़ों रुपए खरीदे हैं, अपना सामान गिरवी रखा है। वैसे ही कोरोना काल में लोगों के पास व्यवसाय नहीं था, बड़ी मुश्किल से लोगों को एक आस नजर आई, और ऐसे समय में इस प्रकार का तानाशाही पूर्वक निर्णय लेना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी मांग है इस ज्ञापन के माध्यम से कि सरकार हिंदुओं के ही त्यौहार पर इस प्रकार का कठोर निर्णय न ले और न ही हमारे जो पटाखा व्यापारी हैं उनको किसी प्रकार से परेशान करे। आज शाम तक यह निर्णय वापस हो जाना चाहिए, नहीं तो उसके विरुद्ध हमारा कठोर आंदोलन और उग्र आंदोलन जो है धरना प्रदर्शन जैसा प्रारंभ हो जाएगा।